सो है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह। तो देखिए, ये मेरी मतलब बहुत पुरानी वीडियो है, नवरात्रों की वीडियो है, और यहाँ पर मैं आप सबको अपनी माता रानी दिखा रही थी, और माता रानी के बाद मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर मैंने नवरात्र उगा रही थी मैं अपने। तो यहाँ पर जो रखे हुए हैं, यहाँ पर मिट्टी है और इसमें मैं उगाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सब ने मेरी इससे पहले वाली नवरात्र उगाने वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, उस पर 6,000 व्यू आए थे मेरी वीडियो पर, 6K। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस वीडियो से, तो मैंने इस बार भी ये वाली वीडियो को बनाने की सोची। तो देखिए, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मिट्टी। ये तो सबको पता ही है वैसे नवरात्र कैसे उगाए जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरी उस वाली वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार मिला तो सोचा मैं अपनी ये वाली वीडियो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर ये वाली वीडियो भी आप इतना ही प्यार देंगे इसको भी, और ये आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स। तो देखिए, मैं अपने ज्वारे उगाने जा रही हूँ। मिट्टी को अच्छे से हम ये कूट लेते हैं वैसे तो किसी चीज़ से, लेकिन इस बार बारीक ही थी मेरी मिट्टी। और ये मिट्टी में जो होते हैं ना, ये सब जैसे घास होती है, घास फूस जो भी होते हैं, लकड़ियाँ होती है, उन सबको हमको निकाल देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे नवरात्र बहुत अच्छे से निकल आते हैं, वरना उनमें उनको दिक्कत होती है और वो हमारे हरे भरे नहीं हो पाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देखना, एंड पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट्स। एंड बाद में आपको थोड़ा सा क्रंच भी मिलेगा। क्रंच वीडियो न्यू है, ओल्ड नहीं है, इसलिए प्लीज वीडियो को शुरू से और एंड तक देखना, ताकि पूरी वीडियो आप इंजॉय कर सके, क्रंच भी और ज्वारे मैंने कैसे उगाए वो भी। और दोनों में से जो भी आपको ज्यादा पसंद आए उसी के लिए कमेंट्स करके मुझे बताना। तो देखिए, वानी बना रही है मेरी वीडियो, और पार्थ यहाँ पर बैठा हुआ है। और माता रानी इस बार वानी की डैडी इतनी सुंदर लेके आए थे, इतनी सुंदर लेके आए थे। माता रानी के हेयर भी इतने लंबे लंबे थे, जो कि मैंने आपको दिखाए थे फर्स्ट में, वहाँ पर मैं व्लॉग स्टार्टिंग करने में उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन वो मैंने आपको देखिए, मैंने मिट्टी को अच्छे से कूट लिया है, जो भी हल्की फुल्की सी मिट्टी, ये देखिए, थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे इसको कूट लेना चाहिए, इसलिए मैंने इसको कूट लिया है, ताकि मेरे नवरात्रे इस बार भी अच्छे से हरे भरे उग जाएँ। क्या होता है ना, अगर नवरात्रे अच्छे से उग जाते हैं तो मन खुश हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे व्रत का फल हमें मिल गया है। सो आप सभी ऐसे ज़रूर किया करें, अगर किसी को नहीं पता है, वैसे तो ये सबको पता ही होगा, लेकिन हाँ, कोई भी ये मत बोलना ये हम सबको पता है, आप क्या बता रही हो, मेरा मन किया तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया। तो देखिए, अभी मैं जौ डाल दूँगी उसमें, और ये लकड़ियाँ वगैरह घास मैंने सब निकाल दी हैं। बैठे हुए थे पास में ही वानी के डैडी, कुछ कुछ बोल रहे थे ये नहीं उगेंगे, ये है वो है, तुम्हारे हाथ से क्यों उगने वाले हैं। लेकिन मैंने फिर भी माता रानी से प्रेयर की कि माता रानी उग जाए। और ये देखिए, मैंने जौ डालने के बाद थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से डाल दी है, थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से हमें डालनी चाहिए वैसे, इससे हमारे जौ अच्छे से उग जाते हैं। और अब थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ मैं, देखिए। और ये वाली वीडियो आप सबको बड़े दिनों के बाद मिल रही है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बिल्कुल भी, अब तो त्यौहार चल रहे हैं, तो त्यौहारों का भी काम है, स्कूल का भी काम है, और घर का भी काम है, इसलिए वीडियो वगैरह शूट करने का शूट तो कर भी लेती हूँ, लेकिन उसको एडिट करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और अगर आप सब मेरी बातों से बोर होते हैं
तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बातें करने की आदत है बहुत ज़्यादा, और न्यू क्रंच वीडियो अब बहुत कम आ रही हैं, क्योंकि एक तो मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, और क्योंकि आप सब मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं ना, इसलिए मेरे डॉलर कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, और इसलिए अब मैं न्यू पार्सल भी ऑर्डर नहीं कर रही हूँ। अब जब भी मेरी पेमेंट आएगी मैं तब ही न्यू पार्सल ऑर्डर करूँगी, इससे पहले मैं न्यू पार्सल ऑर्डर नहीं करूँगी। तब तक इनमें से ही थोड़ा बहुत क्रंच करती रहूँगी, क्योंकि आप सब फिर भी सपोर्ट नहीं करते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे पार्सल मंगा चुकी हूँ, अपने बहुत सारे पैसे वेस्ट कर चुकी हूँ, लेकिन उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला है। हाँ, मुझे अच्छे लगते हैं ये, लेकिन अच्छे लगने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा खा लूँ, और ये नहीं है कि बहुत सारा लेके बैठूँ और क्रंच करूँ और वेस्ट करूँ, वो तो वीडियो में ही हो सकता है ना। इसलिए अब मैंने ये वाला काम बंद कर दिया है। भले ही आपको ये वाली वीडियो पसंद नहीं आती है, लेकिन उसमें मेरा नुकसान है, इसलिए अभी आप सबको ये वाली वीडियो इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी पेमेंट आ जाती है, हाँ मैं पक्का एक पार्सल तो ज़रूर ऑर्डर करूँगी, ज़रूर से, मिक्स आइटम वाला, स्लेट आइटम और क्लेपॉट मिक्स, क्योंकि क्लेपॉट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सबको पता ही है।